कल मैं नाश्ते में बनाऊंगी छोले भटूरे। उसके लिए मैं रात को ही ये सब पूरा तैयारी करके रखूंगी, ये सब चीज़ को। और मैं मॉर्निंग में छोले को मैं भिगो के रखी थी, इस वजह से मैं ये पूरा भीग गया है। और मैं इसको 7-8 सीटी लगा लूँगी। उसके बाद मैं इधर मैदे को मैं जो भी होता है उसके अंदर डाल के मैं इसको रेडी करके रखूँगी। सबसे पहले तो मैं इसके अंदर डालूँगी बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा। उसके बाद तो जाएगा नमक जाएगा, और नमक तो अपने हिसाब से डालना पड़ता है। और उसके बाद मैं शक्कर को भी डाली थी और मैं उसको शूट करना भूल गई। जो भी हो, उसके साथ मैं डालूँगी मैं ये खट्टा दही। और खट्टा दही के साथ ही ये मैदा को पूरा मिक्स करना है और इसके अंदर पानी नहीं जाएगा, खट्टा दही से इसको गूंदना पड़ता है। तो जो भी हो, अच्छे क्वांटिटी के हिसाब से मैं इसको खट्टा दही को डालूँगी। तो ये अभी मैं इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल भी डालूँगी और पानी तो नहीं जाएगा इसके अंदर। मैं इसको सबसे पहले मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद ये जब पूरा मिक्स हो जाएगा ना, देखना धीरे धीरे ये अपने आप ही गूंदना मतलब इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर पानी की ज़रूरत पड़ता है तो ही देना पड़ता है, नहीं तो नहीं देना पड़ता है। और मैं ये जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद मैं इसको फ्रिज के अंदर नहीं रखूंगी, इसको मैं रात भर के लिए बाहर ही छोड़ दूंगी। इसको ना गर्म जगह पे रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो इस वजह से इसको मैं रात भर के लिए बाहर ही छोड़ दूंगी। तो जो भी हो, मैं इसको पहले अच्छे से मिक्स करने के बाद, मेरा हो गया मिक्स, हो गया है। अभी इसके अंदर मैं डालूंगी ऑयल, और ऑयल डालने के बाद मैं इसको रात भर के लिए छोड़ दूंगी। ढक के मैं इसको रात भर के लिए छोड़ दूंगी। जितना घंटा ये बाहर रहेगा उतना ही अच्छा भटूरे बनेगा। और देखना सुबह उठ के देखना कितना अच्छा फूल गया है, अच्छा सा भटूरे। मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। और कल रात को मैं जैसे चने को सीटी लगा के रखी थी ना, पूरा सीटी होके 7-8 सीटी लगाई थी, उसके बाद ये पूरा गल गया है, पूरा गल गया है। और जो मैं मैदा को गूंद के रखी थी, ये देखो जितना मैं गूंद के रखी थी उससे डबल हो गया है। जितना घंटा इसको गूंद के रखूंगी ना, वही अच्छा बनेगा, भटूरे अच्छा बनता है इससे। अभी मैं प्याज अदरक लहसुन को सब मैं पीस लूंगी, उसके बाद ये सब्जी को चढ़ा दूंगी एक साइड में, और एक साइड में मैं भटूरे की तैयारी कर लूंगी। अच्छे से फूल के एकदम अच्छा सा एकदम डो बन गया है। और भटोरी का जो स्मेल है ना, जो खट्टा खट्टापन दही का, वो बहुत ही बढ़िया आ रहा है। चलो इसका मैं लोई बना लूँ, उसके बाद इसको बेल के तल लूँगी।
बन गया है मेरा छोले भटूरे। और अभी मैं एक ठो उसको दी हूँ खाने के लिए, अभी एक ठो खा के जाएगी और दो ठो लेके जाएगी, क्योंकि जो मैं लंच बॉक्स के लिए मैं बनाती हूँ उसी को मैं थोड़ा सा उसको दे देती हूँ, वो खा के जाती है। क्योंकि हल्का फुल्का नाश्ता जब तक नहीं करेगी तब तक उसका भूख लग जाता है, क्योंकि उसको उन लोग का लंच होता है 11 बज जाता है लंच होते होते, तो थोड़ा सा खा के जाती है। और इधर तो मैं भटूरे का जो लुक है थोड़ा सा आया है, उतना तो मैं परफेक्ट हूँ नहीं, फिर भी आया है, कोशिश तो की हूँ मैं। गुड मॉर्निंग, आ गई मैं लंच की तैयारी करने के लिए। और इधर एक तरफ मेरा सब्जी बन गया है, और मैं सब्जी में क्या बनाई हूँ आज, झींगा, झींगा को आलू के साथ मैं इसको फ्राई की हूँ, और कुछ नहीं बनाई, और बस इसका इस तरफ एक चावल को बिठा दी हूँ, चावल भी बन गया है। और मैं गैस को भी ऑफ करके रखी हूँ, और इस तरफ मैं चिकन को मैरिनेट करके रखी हूँ, जैसे आलू आलू काट के रखी हूँ, और मसाला को भी पीस के रखी हूँ, थोड़ा प्याज को भी थोड़ा चॉप करके रखी हूँ, और चिकन को भी तो मैरिनेट करके ही रखी हूँ। जो भी हो चिकन का मैं बना लूँ, क्या दिखाऊँगी चिकन बनाना, जो भी हो बन जाए मेरा चिकन, उसके बाद मैं उसको मैं दिखाती हूँ। अभी मैं इस सब्ज़ी को निकाल लेती हूँ, और बन गया है मेरा चिकन, और मैं इसको कुकर में डाल के ऐसे ही बनाती हूँ, पानी डाल के सबको सब चीज़ डाल देती हूँ, फिर कुकर का लीड को लगा दूँगी, और लगाने के बाद मैं इसको 3 सीटी लगाऊँगी और बन जाएगा मेरा चिकन, सब गल जाएगा, आलू भी गल जाएगा, सब मसाला भी पक जाएगा, और पानी भी अच्छा सा खासा हो गया। मेरा नहाना धोना पूजा करना सब हो गया है, और क्या आज बनाई हूँ छोले भटूरे, बहुत ही टेस्टी बना था छोले भटूरे। जो भी हो शाम के लिए बहुत थोड़ा सा रखी हूँ आटे को, मैदा को रखी हूँ, फिर बाद में थोड़ा सा और बनाऊँगी। और जो भी हो अभी तो खाना भी बन गया है, अभी मेरा बेटा गया है आंगनबाड़ी, और मेरी बेटी गई है स्कूल। जो भी हो मैं अभी 1 बजे खाना खाऊंगी। मेरा लुक कुछ अलग दिख रहा है ना, बहुत ही मस्त सिंदूर लगाई। जो भी हो वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट नहीं हुआ अभी तक, बाय, गुड नाइट। आफ्टरनून हो रहा है, गुड नाइट कैसे हो गया। चलिए बाय। I think it's the way life changes when in love, yeah. Eyes around my soul with the positivity.